नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से सभी दर्जाधारियों की सुविधाओं को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया। दो दिन के अंदर सुविधाओं को वापस लेने का आदेश। मुख्य सचिव ने सुविधाएं वापस लेने के दिए आदेश। सीएम तीरथ ने 120 दायित्वधारियों की छुट्टी की। सभी दायित्वधारियों से सरकारी सेवाएं खत्म करने के आदेश जारी किए। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम तीरथ ने 120 दायित्वधारियों की छुट्टी की है। इसके साथ ही दर्जाधारियों की सुविधाओं को वापस लेने का आदेश जारी किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। देहरादून से दर्जाधारियों की सुविधाओं को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया। दो दिनों के अंदर सुविधाओं को वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि मुख्य सचिव ने सुविधाएं वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम तिरुपति ने 120 दायित्वधारियों की छुट्टी की थी और अब ये बड़ी जानकारी, यहाँ पर सभी दर्जाधारियों की सुविधाओं को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। दो दिनों के अंदर सभी सुविधाओं को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी देहरादून से, बड़ी और अहम जानकारी, दर्जाधारियों की सभी सुविधाओं को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम तिरुपति ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए गए। सीएम तीरथ ने 120 दायित्वधारियों की छुट्टी की थी। सभी दायित्वधारियों से जो सुविधाएं उन्हें मिली थी, वो सुविधाएं अब वापस लेने के लिए आदेश जारी किए गए। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, सभी दायित्वदारियों की सुविधाओं को जो है वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है, पूरी जानकारी दे। बिल्कुल, उत्तराखंड में जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार का जैसे ही खत्म हुई थी और उसका तीरथ सिंह रावत जो नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने लगातार कई महत्वपूर्ण निर्देश और फैसले लिए थे और इसी में से एक फैसला था कि जो दायित्वधारी थे लगभग 120, उनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया था। यानी कि प्रदेश में जिस तरीके से दायित्वधारियों के चलते आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, उसको देखते हुए ये फैसला तीरथ सिंह रावत ने लिया था। और अब जिस तरीके से उनके सारी सुविधाएं खर्च करने की बात मुख्य सचिव कह रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि जैसे ही आदेश जारी हुए थे कि वो अपने पद से मुक्त किया जाए, तो उसके बाद भी वो सरकारी गाड़ियों में और गनरों के साथ घूम रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद अब मुख्य सचिव ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी राज्य मंत्री बनाए गए थे, दर्जाधारी बनाए गए थे, उनसे सभी सुविधाएं वापस ली जाएंगी। और इसके लिए उनको समय भी दिया है कि अगले दो दिन के अंदर ये सारी सुविधाएं वापस ले ली जाए, चाहे वो गाड़ी की सुविधा हो, ऑफिस की सुविधा हो या फिर गनर की सुविधा हो। तो एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है, इसको लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अपने निर्देश हैं जो जारी कर दिए हैं। सुभाष, क्या जिन दायित्वधारियों से उनकी सुविधाएं छीनी जा रही, उनके तरफ से कोई प्रक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं वो दे रहे हैं, क्योंकि संगठन से जुड़े वो लोग थे, भाजपा के नेता थे और उसके बाद उन्हें सरकार में जगह देने की कोशिश की जाती थी, नई सरकार में। लेकिन क्योंकि अब उनको कार्य से मुक्त कर दिया है, तो उनका साफ तौर से कहना है कि वो पार्टी के लिए काम करते थे और आगे भी पार्टी के लिए काम करेंगे। यदि उनको पद दिया था तो उसका निर्वाहन वो कर रहे थे, अब पद नहीं है तो उसका तो पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, उसकी कोई भी नाराजगी उनके अंदर नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार आपके पास हम लौटेंगे। और इसी बीच एक